उठाऊं तो कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले कलम उठाऊं तो कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले पढ़ो जनात तो पढ़ो जनात तो दुनिया नबी नबी बोले मैं बिना किसी तमहीद के गुजारिश कर रहा हूँ इज्जत माब आली जनाब शराफत बिस्वानी साहब को इस शेर के साथ के मदीने जाके उड़ पहुँचूं अगर अल्लाह दे दे पर मदीने जाके उड़ पहुँचूं अगर अल्लाह दे दे पर पहुँच कर जान दे दूंगा उस आका के रोजे पर। उनकी सादगी ने उन्हें इस मकाम पर पहुँचाया है। बहुत से लोग इस मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ खुलूस और मोहब्बत से मिलते हैं। ये अलग पहचान लाइक़ सलाह कराम बावकार उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा हज़रत क़ारी रज़ीउद्दीन साहब दामत बरकातुहू मुलादिया डाइस पर जलवा अफरोज़ हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी और सआदत की बात है। मैंने देखा है कि अक्सर नए बच्चों को हज़रत हौसला देते हैं। मैं आज अगर इस दरमियान आपके दरमियान में खड़ा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं हजरत का बहुत बड़ा ताबुल है। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत का फरमाए। बड़े भाई कारी सैयद शाह फैसल साहब मेरी तारीफ में कुछ ज़्यादा बोल गए, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये इंसान की मोहब्बत है, जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो बहरहाल कुछ भी बोल जाता है। अल्लाह करे कि मैं आपके सोच के मुताबिक हो जाऊं। डाइस पर मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त बड़े भाई जनाब कारी मोहम्मद ज़ुबैर कामिल रहमानी साहब हाफिज़ अकबर साहब मौलाना अमीन साहब वगैरह तशरीफ़ फरमा है, सभी की शिरकत चाहता हूं और चार मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूं। चाहता हूं एक मरतबा दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा लें। पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी अल-उम्मी वअला आलिही वसल्लम तस्लीमा। हाजिर करता हूँ, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कसम अल्लाह की वो खुल कसम अल्लाह कसम अल्लाह की वो खुल का हकदार हो जाए कसम अल्लाह की वो खुल्द का हकदार हो जाए रसूलुल्लाह हसे जिसको रसूलुल्लाह हसे जिसको भी सच्चा प्यार हो जाए रसूलुल्लाह हसे जिसको भी सच्चा प्यार हो जाए इसी लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूदे पाक सोता हूँ इसी लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूदे पाक सोता हूँ किसी दिन ख्वाब में सरकार किसी दिन ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए जिंदाबाद शराफत बिस्वानी जिंदाबाद जनाबे शराफत बिस्वानी जिंदाबाद जनाब कारी रज़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब जिंदाबाद जनाब कारी शाहिद रहमानी साहब जिंदाबाद जनाब हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा माहौल बना दें, पेश करता हूँ समाज समय अहले डाइस की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। देखिएगा अकबर साहब के कसम अल्लाह की वो खुल्द का हकदार हो जाए कसम अल्लाह की वो खुल्द का हकदार हो जाए रसूल
अल्लाह से जिसको भी सच्चा प्यार हो जाए, इसी लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूद पाक सोता हूँ, इसी लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूद पाक सोता हूँ। किसी दिन ख्वाब में सरकार, किसी दिन ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए। बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक मतला हाजिर करता हूँ समाज हमारे हजरत मोहब्बतों के साथ के, या खुदा तेरा बड़ा एहसान है, बिलखुसूस उन शेरा इकराम को शरीक करता हूँ जो लोग नाते पाक लिखते और पढ़ते हैं, हाजिर करता हूँ। या खुदा तेरा बड़ा एहसान है, 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 या खुदा तेरा बड़ा एहसान है। या खुदा तेरा बड़ा एहसान है, नाथ गोई से मेरी पहचान है, नाथ गोई से मेरी पहचान है। अगर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मैं हाजिर करता हूँ समाज फरमाए के, या खुदा तेरा बड़ा एहसान है, 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 या खुदा तेरा बड़ा एहसान है। या खुदा तेरा बड़ा एहसान है, नाथ गोई से मेरी पहचान है, नाथ गोई से मेरी पहचान है। हजरत कारी रज़ियल्लाहु साहब सदर मोहतरम के दामन में रखता हूँ दुआओं के साथ, पेश करिएगा, पेश करता हूँ समाज फरमाए के, या खुदा तेरा बड़ा एहसान है, जन्नती है वो यकीनन जन्नती है वो यकीनन जन्नती है वो यकीनन जन्नती जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है। बहुत शुक्रिया।
आइए दोस्तों एक और शेर हाजिर करता हूँ समाज फरमाए के जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है ये कहा अस्हाब ने प्यारे नबी ये कहा अस्हाब ने प्यारे नबी ये कहा अस्हाब ने प्यारे नबी मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान है या खुदा तेरा बड़ा एहसान है नात गोई से मेरी पहचान है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। डाइस पर वो मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। मुझे याद है कि जब मैंने पहली मरतबा बिस्वा के अजलास में नाते पाक पढ़ी थी हजरत ने मुझे उस वक्त 100 रुपये का नोट इनाम में दिया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे पास बाकायदा तारीख के साथ मौजूद है। मैंने उसको रख दिया था कि ये बहुत ही मुतबर्रक नोट है मेरे लिए। आज हजरत वाला डाइस पर जलवा अफरोज़ हैं। मुझे बेइंतहा मोहब्बतें मिलती हैं और यकीन मानिए कि इस कदर शोहरत होने के बावजूद भी हजरत का जो अखलाक है हम सब जो लोग जानते हैं वो बाकायदा खूब वाकिफ है हजरत से। इतनी सादगी कि ऐसा लगता है कि वाकई मैं अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ। दुआओं के साथ एक खूबसूरत कलाम हाजिर करके इंशाल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। दोस्तों ये बताइए कि मेरे आका की तरह कोई है क्या? अगर नहीं है तो अपने हाथों को नफी में हिला दीजिए। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया हजरत। अब मैं एक ऐसा कलाम पढ़ने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये बोलना है कि मेरे आका सा कोई नहीं। बोलेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग अच्छा नहीं बोलेंगे? अच्छा ये लोग नहीं बोलने वाले। अच्छा जितने लोग बोलने वाले हैं जरा वो हाथ उठाएं। माशाल्लाह अब मजा आएगा। देखिएगा कारी साहब हाजिरी करता हूँ समाज समाज के आका मेरे आका सा कोई नहीं। बोलो 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 आका सा कोई नहीं। मेरे आका सा कोई नहीं। बोलो बोलो आका सा कोई नहीं। गुलशन में फूल बोले बहारों ने ये कहा। गुलशन में फूल बोले बहारों ने ये कहा। दुनिया के सब हसीन नजारों ने ये कहा। दुनिया के सब हसीन नजारों ने ये कहा। गुलशन में फूल बोले बहारों ने ये कहा। दुनिया के सब हसीन नजारों ने ये कहा। दुनिया के सब हसीन नजारों ने ये कहा। सरकार दो जहान के जैसा है कोई क्या? सरकार दो जहान के जैसा है कोई क्या? पूछा जो मैंने चांद सितारों ने ये कहा। मेरे आका सा कोई नहीं। अरे जरा बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हाजिर करता हूँ समाज फरमाए हामिद अकबर साहब आपको भी शरीक करता हूँ। देखिएगा के बोलो बोलो आका सा कोई नहीं। मेरे आका सा कोई नहीं। दोनों
जहाँ में अफजल आला मकाम है, दोनों जहाँ में अफजल आला मकाम है। बादे खुदा बुलंद शहीदी का नाम है, बादे खुदा बुलंद शहीदी का नाम है। यही सुबह शाम है मेरे आका सा कोई नहीं, मेरे मेरे आका सा कोई नहीं। बोलो बोलो आका सा कोई नहीं, मेरे मेरे आका सा कोई नहीं। और ये भी बंद हाजिर करता हूँ बिलखसूस हजरत मौलाना मामूर साहब दामद बरकातुहुम उलालिया की दुआओं के साथ पेश करता हूँ। हजरत समाज फरमाइएगा के मेरे मेरे आका सा कोई नहीं, बोलो बोलो आका सा कोई नहीं। दुनिया के हर गरीब ने सुल्तान ने कहा, दुनिया के हर गरीब ने सुल्तान ने कहा, दिल ने कहा ये मेरे मेरी जान ने कहा, दिल ने कहा ये मेरे मेरी जान ने कहा। दुनिया के हर गरीब ने सुल्तान ने कहा, दिल ने कहा ये मेरे मेरी जान ने कहा, दिल ने कहा ये मेरे मेरी जान ने कहा। मेरे नबी सा कोई ना आया ना आएगा, मेरे नबी सा कोई ना आया ना आएगा। पूछा गया है तो यही कुरान ने कहा, मेरे आका सा कोई नहीं, बोलो बोलो आका सा कोई नहीं। मेरे मेरे आका, मेरे आका सा कोई नहीं, बोलो बोलो आका सा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मशकूर हूँ अपने छोटे भाई जनाब कारी शाहिद साहब का, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई। दो शेर पढ़ के इंशाल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। दोस्तों, दुनिया के अंदर जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसका नाम मीठा और प्यारा लगने लगता है। यहाँ पर जितने लोग हैं यकीनन सभी आशिक रसूल हैं और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो आपको भी प्यारे आका का नाम मीठा और प्यारा लगता होगा। जिनको नहीं लगता है जरा हाथ उठा के बताएं, जिनको लगता है जरा वो हाथ उठाएं। माशाल्लाह, अब मैं एक कलाम पढ़ने जा रहा हूँ जिसमें आपके साथ की जरूरत है। आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा मिसरा आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जिनको प्यारे आका का नाम मीठा लगता है वो कहेंगे सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ समाज समाज, देखिएगा खाली साहब के मीठा 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 सोना सोना प्यारा प्यारा नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। यार लखनऊ वालों की आवाज इतनी कमजोर तो नहीं होनी चाहिए, है नहीं? अब मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ समाज फरमाले हजरत हजरत अल्लामा कफील अशरफ साहब दामद बरकातुहुम उलालिया तशरीफ फरमा है। आपकी आवाज का डंका पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बोल रहा है। ये भी लखनवी है, आप भी लखनवी हैं। मैं हजरत का वास्ता देता हूँ, एक बार बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ समाज फरमाले हजरत के मीठा 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 सोना सोना प्यारा प्यारा नबी का नाम कहो लाए वहदत लाए वहदत लाए वहदत का पैगाम कहो सुभान अल्लाह। सोना सोना प्यारा प्यारा मीठा मीठा
نبی کا نام کہو سبحان اللہ. ارمان ہے کب سے دل میں ہم شہر مدینہ جائیں, ارمان ہے کب سے دل میں ہم شہر مدینہ جائیں, اور نعت نبی پڑھ پڑھ کے روزے پہ ان کے سنائیں, اور نعت نبی پڑھ پڑھ کے روزے پہ ان کے سنائیں. یوں ہی گزرے عمر تمام کہو سبحان اللہ. یوں ہی گزرے عمر تمام کہو سبحان اللہ. سونا سونا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ. اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں دوستو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ہم ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے, ہمارا اخلاق ذرا ہم سب اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں. ایک شعر پہنچاتا ہوں, حاضر کرتا ہوں سماج فرمائے کے. سونا سونا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ. ایک بار ملے جو ان سے ان کے ہی ترانے گائے, ایک بار ملے جو ان سے ان کے ہی ترانے گائے, سرکار کی میٹھی میٹھی باتوں میں وہ کھو جائے, سرکار کی میٹھی میٹھی باتوں میں وہ کھو جائے. کرتے ہیں ایسے کلام کہو سبحان اللہ. سونا سونا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ. آخری شعر پہنچا کے انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں, حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے. دوستوں میں چاہتا تھا کہ تو سناؤں, لیکن حضرت قاری صاحب کا حکم تھا کہ جب حضرت علامہ مولانا کفیل اشرف صاحب نامہ برکاتہم العالیہ دائز پر جلوہ افروز ہو جائیں آپ اس وقت پڑھیں. بہرحال میں یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت کی موجودگی میں کچھ پڑھ رہا ہوں, حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائے حضرات, محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. سونا سونا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ. جس در کی غلامی پیارو جبریل امیر کرتے ہیں, جس در کی غلامی پیارو جبریل امیر کرتے ہیں, چاہت کا جن کی چندہ اور تارے دم بھرتے ہیں, چاہت کا جن کی چندہ اور تارے دم بھرتے ہیں. ہم بھی ہیں ان کے غلام کہو سبحان اللہ. ہم بھی ہیں ان کے غلام کہو سبحان اللہ. سونا سونا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نبی کا نام کہو سمجھتے ہیں نا, تال نہیں سکتے. حاضر کرتا ہوں حضرت کے دعاؤں کے ساتھ, پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے. آج ابھی مدارس کا سروے چل رہا ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مدارس نے کیا دکھایا حکومت کو اور لوگوں کو. بہرحال میں پیش کرتا ہوں جی, ماشاءاللہ آپ کے محلے میں مدرسہ دارالامین ہے جو قاری صاحب نے بھی قائم کیا ہے. اللہ کرے کہ یہ مدرسہ قیامت تک دین کی خدمت انجام دیتا رہے, اور آپ حضرات اس کا سپورٹ کریں, تعاون فرمائیں. آئیے میں حاضر کرتا ہوں یہاں سے, آپ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. ایک بار ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. دہشت گرے نہ دہشت گرد پڑھتے ہیں,
नबे ईमान पढ़ते हैं न दहशतगर्द पढ़ते हैं नबे ईमान पढ़ते हैं मदारिस में मदारिस में रसूलुल्लाह हके मेहमान पढ़ते हैं मदारिस में रसूलुल्लाह हके मेहमान पढ़ते हैं। और चौथा मिसरा अगर आपकी समातों तक पहुंच जाए तो आप सभी की दुआएं चाहूंगा, पेश करता हूं समाज फरमाले हजरत के। न दहशतगर्द पढ़ते हैं न बेईमान पढ़ते हैं मदारिस में रसूलुल्लाह हके मेहमान पढ़ते हैं किताबें और भी पढ़ने के लायक हैं यहाँ लेकिन मुकद्दर जिनके रोशन हैं वही कुरान पढ़ते हैं मुकद्दर जिनके रोशन हैं वही कुरान